हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर नंबर सेकंड, जिसका नाम है नन्हा पेड़। बच्चों, ये कहानी है और ये कहानी पर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए अब हमारी कहानी शुरू करते हैं। एक जंगल में एक छोटा सा पेड़ था। वह आंधी में हिलता, धूप में जलता और बारिश में भीगता रहता। जंगल में और भी पेड़ थे, लेकिन नन्हा पेड़ सबसे अलग था। दूसरे पेड़ों पर तो हरे भरे पत्ते थे, लेकिन इस पेड़ पर सिर्फ कांटे थे। नन्हे पेड़ को यह देखकर बहुत बुरा लगता था। वह सोचता, सभी मुझसे डरते हैं, कांटों के डर से कोई मुझे छूता तक नहीं। काश मेरे ऊपर सुनहरे पत्ते होते, बिल्कुल सोने की तरह चमकीले। बच्चों, ये कहानी की हमारी शुरुआत ऐसी है कि एक बहुत बड़ा घना जंगल था, उसमें बहुत सारे पेड़ थे, लेकिन एक वहाँ छोटा सा पेड़ था। वो छोटा सा पेड़ आंधी आती तो उसमें हिलता था। आंधी यानी कि तेज हवा। आप यहाँ शब्द पिटारे में देख सकते हो कि आंधी यानी कि तेज हवा। तो वो नन्हा पेड़ आंधी आती तो उसमें हिलता था, धूप में जलता जलता यानी कि उसे धूप भी लगती थी, बारिश में वो भीगता रहता था, वो सब कुछ होता था, पर वो सबसे अलग था। नन्हा यानी कि छोटा, वो सबसे अलग था। क्यों अलग था? कि उसके पर सब पेड़ों पर तो हरे भरे पत्ते थे। आप देख सकते हो सब पेड़ों पर कैसे हरे भरे पत्ते है, लेकिन इस पेड़ पर क्या था? सिर्फ कांटे थे, इसीलिए कोई उसे छूता तक नहीं था। तो हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि नन्हे पेड़ को क्यों कोई नहीं छूता था? तो इसका आंसर हो सकता था कि नन्हे पेड़ को कोई इसलिए नहीं छूता था क्योंकि वह किससे भरा हुआ था? कांटों से। वो सोच रहा था कि काश मेरे पर सुनहरे यानी कि सोने के पत्ते, सोने के रंग के पत्ते होता और बिल्कुल वो चमकीले होते। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि पहली बार नन्हे पेड़ ने अपने पर कौन से पत्ते होने की इच्छा या फिर कामना बताई? तो पहले सुनहरे पत्ते। अभी आगे, एक दिन जब सूरज निकला तो एक अजीब सी चीज़ दिखी। उस पेड़ के सारे कांटे गायब हो गए और सुनहरे पत्ते उग गए। सूरज की रोशनी में पत्ते चमचमा रहे थे। इन पत्तों को देखकर नन्हे पेड़ का अंग अंग मुस्काने लगा। बच्चों देखो, आप देख सकते हो अंग अंग मुस्काने लगा। अंग अंग मुस्काना यानी कि आप नीचे देख सकते हो बहुत खुश होना। अभी जैसे ही रात को नन्हे पेड़ ने अपनी कामना इच्छा बताई कि काश मेरे पर भी सुनहरे पत्ते होते, तो दूसरे दिन जब सूरज उगा तो उसने देखा, क्या देखा? कि उसके ऊपर कांटे नहीं थे, उसके ऊपर जो भी कांटे थे वो सारे के सारे गायब हो गए थे। और क्या गया था? सुनहरे पत्ते, सोने के रंग के पत्ते। अजीब यानी कि अनोखी चीज़, और चमचमाना यानी कि चमक बिखेरना, बहुत सी चमक दिखाई देना। तो वो ये देखकर बहुत खुश हो गया। बहुत खुश यानी कि अंग अंग मुस्काने लगा। अंग अंग मुस्काने यानी बहुत खुश हो गया कि अब अच्छा हुआ कि अब मेरे सारे पत्ते कांटे निकल गए। और कैसे पत्ते आ गए? सोने के। धीरे धीरे शाम हो गई और फिर रात घिर आई। उस समय वहाँ एक आदमी आया, उसने देखा कि इस पेड़ पर तो सोने के पत्ते लगे हैं। बस फिर क्या था? उसने चुपके चुपके सारे पत्ते तोड़कर थैली में भर दिए। अभी आप नॉर्मली देख सक सोच सकते हो कि आपको, वैसे तो हमें ऐसा करना नहीं चाहिए, पर कोई हमें कुछ रास्ते में जा रहे हो और आपको कोई 100 की नोट, 200 की नोट ऐसे कुछ नोट दिखाई, तो आप लेने का ट्राई करने ही वाले हो। वैसे ही एक आदमी ने ये पेड़ पर सोने के पत्ते देखे, और फिर तो क्या था, और अंधेरी रात थी, कोई था भी नहीं, इसीलिए उसने क्या किया, वो पेड़ के सारे सोने के पत्ते तोड़ दिए। पेड़ बेचारा ठूंठ बन गया।
उसे बहुत दुख हुआ। सोचने लगा, मेरे ऊपर पत्ते ज़रूर हो पर सुनहरे नहीं, कांच जैसे चमकदार होने से काम चल जाएगा। ठूंठ ठूंठ यानी कि आप नीचे देख सकते हो, बिना पत्तों वाला सूखा पेड़। आपको पता होगा, आपने कई पेड़ देखे होंगे जहाँ उस पेड़ पर पत्ते नहीं होते, उसे कैसा पेड़ बोलते हैं? ठूंठ पेड़। वो बहुत दुखी हो गया कि मेरे पत्ते जो भी सुनहरे पत्ते थे वो चले गए। तो उसने फिर से अभिलाषा की, क्या की कि अभी मेरे को सुनहरे पत्ते नहीं चाहिए। कैसे पत्ते चाहिए? कांच जैसे चमकदार पत्ते, मुझे वैसे पत्ते चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं फिर से रिपीट करूँगी कि पहली बार नन्हे पेड़ ने अपने ऊपर कैसे पत्तों की अभिलाषा की। तो पहली बार नन्हे पेड़ ने अपने ऊपर सुनहरे पत्तों की अभिलाषा की, और दूसरी बार कौन से पत्तों की अभिलाषा की? तो कांच जैसे चमकदार पत्तों की अभिलाषा की। अभी आगे देखते हैं। सुबह हुई तो पेड़ पर सुंदर सुंदर रंग बिरंगी कांच के पत्ते लगे हुए थे। पेड़ इन बेहद खूबसूरत पत्तों को देखकर बहुत खुश हुआ और घमंड में ऐंठकर कहने लगा, देखे हैं ऐसे पेड़ पत्ते किसी पेड़ पर। इसी वक्त काले बादल छा गए और धीरे धीरे सूरज बादलों के पीछे छिप गया। तभी न जाने कहाँ से तेज आंधी आई और पूरा जंगल हिलने लगा। बड़े बड़े पेड़ तक जोर जोर से हिलने लगे। इसी तेज हवा में नन्हे पेड़ के कांच के पत्ते झड़ झड़ कर चकनाचूर हो गए। अभी सुबह हुई और फिर नन्हे पेड़ पर क्या हुआ? सुनहरे पत्तों की बजाय कौन से पत्ते आ गए? रंग बिरंगी सुंदर सुंदर कांच के पत्ते आ गए। अभी ऐसे पत्तों को देखकर नन्हा पेड़ तो और खुशी के मारे फूलने लगा और क्या हो गया? बहुत खुश हो गया, घमंड में आ गया। घमंड यानी कि अभिमान हो गया उसे। कैसा अभिमान? क्या बोलने लगा? देखे कभी इतने अच्छे पत्ते, इतने सुंदर पत्ते किसी पेड़ पर। और तुरंत थोड़ी देर बाद क्या हुआ? काले बादल छा गए, धीरे धीरे सूरज बादलों के पीछे छिप गया। तेज आंधी यानी कि बहुत जोरों की पवन आने लगी और उसी समय पूरा जंगल हिलने लगा और नन्हा पेड़ भी हिलने लगा। और उसी समय क्या हुआ? तेज हवा में नन्हे पेड़ की कांच के पत्ते क्या हो गए? झड़ झड़ कर चकना चूर। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि नन्हा पेड़ क्या देखकर घमंड से भर गया। तो नन्हा पेड़ सुंदर सुंदर रंग बिरंगे कांच के पत्ते देखकर घमंड में भर गया। फिर ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि तेज आंधी के कारण क्या हुआ? तो तेज आंधी के कारण क्या हुआ था? तो तेज आंधी के कारण नन्हे पेड़ के सुंदर सुंदर रंग बिरंगी पत्ते झड़ झड़ कर चकनाचूर हो गए थे। पेड़ फिर से ठूंठ हो गया, कहने लगा, अब मुझे न तो सोने के पत्ते चाहिए न ही कांच के। दूसरे पेड़ों की तरह हरे भरे पत्ते ही काफ़ी होंगे मेरे लिए। अभी उसने तीसरी बार अभिलाषा बताई। कौन सी अभिलाषा बताई? अभी उसे कैसे पत्ते चाहिए थे? जैसे सब पेड़ों पर है वैसे हरे पत्ते। अगले दिन सुबह उठते ही उसने देखा कि उसकी डालों पर हरे भरे पत्ते है। यह देखकर नन्हा पेड़ फूलाना समाना यानी कि बहुत खुश होना। उसने तीसरी बार अपनी अभिलाषा अपनी इच्छा बताई। पहली बार उसने बोला कि मुझे सोने के पत्ते चाहिए, तो उस पर सोने के आ गए। दूसरी बार बोला कांच के, तो कांच के आ गए। अब तीसरी बार उसने बोला कि अभी उसे सिर्फ उसे हरे पत्ते चाहिए, तो वो भी उसकी अभिलाषा पूरी हो गई। यानी कि वो फूलाना समय यानी कि बहुत खुश हो गया बहुत ही। इतने में वहां से गुजरते हुए बकरियों के छोटे से झुंड की नजर उस पेड़ पर पड़ी। उन्होंने उस पर लगे कोमल हरे हरे पत्ते देखे, उनके मुंह में पानी आ गया। फिर क्या था? झुंड की 5-6 बकरियां उन पत्तों को खाने के लिए उस नन्हे पेड़ की ओर बढ़ी
और देखते ही देखते हरे हरे पत्तों से भरे उस पेड़ को ढूंढ बना दिया। अब बच्चों आप देख सकते हो कि फिर से नन्हे पेड़ के साथ क्या हुआ, उस पर तो बहुत ही अच्छे अच्छे पत्ते आए थे, कैसे हरे हरे पत्ते जैसे सब पेड़ों पर थे वैसे ही, पर अचानक से क्या हुआ, वहां से बकरियों का झुंड निकला, झुंड यानी कि दल, समूह, बहुत सारी बकरियों का एक साथ समूह निकला। और उन्होंने क्या देखा कि वो एक नन्हा पेड़ है और उस पर बहुत ही कोमल कोमल बहुत ही अच्छे से पत्ते हैं, तो उनके मुंह में पानी आ गया और फिर वो पत्ते खाने चल भी निकली। और उसने उन्हें क्या किया, थोड़ी ही देर में नन्हे पेड़ को ठूंठ बना दिया। नन्हा पेड़ फिर से ठूंठ बन गया, दुखी होकर उसने कहा, नहीं चाहिए मुझे पत्ते, न तो सोने के न कांच के और न ही हरे, इन पत्तों से तो मेरे कांटे ही भले थे। और अगले दिन नन्हा पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन वह अब दुखी नहीं था। तो फिर नन्हा पेड़ बहुत दुखी हो गया कि मेरे सोने के पत्ते चले गए, फिर कांच के पत्ते चले गए, हरे भरे पत्ते भी चले गए। फिर वो बहुत दुखी हो गया, दुखी होकर क्या बोला, अब मुझे ना चाहिए सोने के पत्ते, ना ही कांच के और ना ही हरे भरे पत्ते, उससे तो अच्छा मेरे कांटे भले यानी कि अच्छे थे। और अगले दिन क्या हुआ, उसके वो हरे भरे कांटे सब कुछ वो पत्ते सारे निकल गए, कौन से पत्ते आ गए भी वो जैसे ही था पहले वैसे ही कांटों से भरा हुआ वो हो गया। और कांटों से भरा होने के बाद भी आप देख सकते हो, और अगले दिन नन्हे पेड़ फिर कांटों से भर उठा, लेकिन अब वह दुखी नहीं था। वो दूसरे दिन कांटों से फिर से जैसे पहला था वैसे ही हो गया, पर अब वो दुखी नहीं था, वो खुश था। तो बच्चों आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, तो हमें ये कहानी से ये सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी है जितना है उसमें ही हमें खुश रहना चाहिए, हमें उसमें ही तृप्त होना चाहिए, तृप्त यानी कि हमें संतोष लेना चाहिए। हम ज़्यादा कुछ अभिलाषा इच्छा व्यक्त करने जाएंगे तो हमारा नुकसान ही, यानी कि हमारे पास जो भी है जितना भी है वो अच्छा है। तो मैं आशा रखती हूँ बच्चों कि आपको ये कहानी समझ आई होगी। और शब्द पिटारा जैसे ही आपने आगे हम हर बार लिखते हैं वैसे ही नोटबुक में आपको लिखने हैं। थैंक यू।